हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की 603वां योम विसाल मना रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इस अवलियाए किराम ने अपनी ज़िंदगी में ये दौरा जो किया जिससे पूरे कश्मीर को अपने नूर से मुनवर फरमाया। आज हम इसी मुबारक नाम इसमें गिरामी हज़रत सैयद मोहम्मद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह का 603वां योम विसाल मना रहे हैं। और यहाँ पर मुसलमानों के अलावा यहाँ पर हिंदू लोग भी यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इज्तिमात होते हैं इसमें यही होता है कि यहाँ पर जो इनका फैज़ है वो हम पर जारी रहे। और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि यहाँ पर जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ इंतज़ाम रखे थे, जिसमें म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला या पुलिस का जिसमें एसएसपी बारामूला, खासकर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक नशस्त बुलाई थी जिसमें यहाँ के इंतज़ाम को आखिरी शक्ल देकर यहाँ पर जो इंतज़ाम किए थे तो हम मुतमईन हैं। मगर इसके अलावा आपके वसादत से हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जम्मू कश्मीर जो गवर्नर इंतज़ामिया है उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर बहुत से मुश्किलात है, यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए बाथरूमों का इंतज़ाम होना चाहिए, यहाँ पर जो हमारे खस्ताहाल जो यहाँ पर बिल्डिंगें हैं उनकी मरम्मत की जाए और जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए इंतज़ाम किए जाए। हर वक्त हम वक्फ बोर्ड से यही गुजारिश करते थे, उनने बहुत से वादे किए और कोई वादा जो उनका वो पूरा नहीं हुआ। आज हम पूरा यकीन रखते हैं जो गवर्नर इंतज़ामिया हैं वो इस पर बहुत ही इस वक्त मुतरिक है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसको एक बड़ा पैकेज दिया जाए, जिस तरह बाकी ज़ियारतों को या जो भी इबादत गाह है चाहे हिंदू के हैं या मुसलमानों के लिए हैं उनको आप तरक्की दी जाए, और जो भी मुसलमान या कोई हिंदू है उनके जो इबादत गाह है उनको अच्छी तरह से वहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए उनके लिए इंतज़ाम किए जाए ताकि वो मुश्किलातों का शिकार न हो सके। आज हम यही पैगाम देंगे जो या हमारे अवलिया किराम है इनको बिला मजहब मिलत जो इनका फैज़ है वो हर एक के पास पहुंचता है। जांबाज एकेडमी तमाम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। हम यही गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को तालीम दें, कुरान शरीफ की तालीम दें, हदीस की तालीम दें और जो सूफियत है उस सूफियत को आगे चलाए, और इंशाल्लाह उसी से यहाँ पूरे दुनिया में अमन और आश्ती आएगी। और यहाँ पर जो मिलजुल कर कश्मीरियों की रिवायत है मिलजुल कर रहने की वो रिवायत कायम रहे। हम यहाँ पर जो मीडिया आया है उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करेंगे जो ये कवरेज लेंगे ये पूरी दुनिया देखेगी, और इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ मुश्किलात हैं उन पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी जो मरकज़ी गवर्नमेंट है वो भी इसमें अपना अपने तरीके से एक कोशिश करें जिससे यहाँ हमारी जो मांगे हैं जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। वस्सलाम। हम सब
अपनी तरफ से और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से इन तमाम आने वाले मेहमानों का जो यहाँ पर 603वां उर्स मुबारक आज मनाया गया है, तो अगरचे मौसम की नासाजगी की वजह से भी अगर देखा जाएगा लोगों का एक जम्मे गफीर देखने को मिला है, तो लिहाजा हम इन सब के तहे दिल से मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जानिब से और ज़ियारत कमेटी की जानिब से और जामाज एकेडमी अवकाफ इस्लामिया खानपुरा की तरफ से इन सब मेहमानों का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक दरबार के सदक़े में इनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। और इसी वजह से भी ये लोग यहाँ पर आते हैं कि इनका एक मकसद होता है, यहाँ पर आने का एक ही मकसद होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हासिल करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी को हासिल करना, और यही मेन मकसद यहाँ आने का है। और यही पैगाम अल्लाह के इन महबूबों ने, अल्लाह के इन वलियों ने अपनी ज़िंदगी में दिया, अमन का एक बेहतरीन जो इन्होंने एक तालीम दी है, अमन का एक परचम इन्होंने जो उठाया है, और उसी अमन का ये आज जो है ना आज आप भी देख रहे हैं। वरना जो हालात की वजह से अगर देखा जाए तो इजाज़त तो होना तो दूर की बात है, लेकिन ये अमन के पैगाम की वजह से यहाँ पर आज जो जम्मे गफीर दिखने को मिला है मौसम की नासाजगारी की वजह से, लिहाजा फिर से हम एक बार इन सब का तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप सब का भी कि आप यहाँ पर वक्तन फवक्तन टाइम निकालते हैं और यहाँ पर ये जो मैसेज होती हैं और लोगों तक इस आवाज़ को आप पहुँचाते हैं। बाकी वसलाम।